बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद सप्तैन हयात। हम कर रहे हैं 9th क्लास का फर्स्ट यूनिट, उसका आज हमारे पास लास्ट लेक्चर है। फर्स्ट यूनिट का आज लास्ट लेक्चर है और हमारा जो है आज 14th लेक्चर है। हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 किया था, एक्सरसाइज 1.6 का। उसमें हमने क्या यूज़ किया था? इन्वर्जन मेथड। अब आज हम जो करेंगे, हम करेंगे द क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल क्या होता है, उसके ज़रिए हम किसी इक्वेशन का, किसी दो इक्वेशंस का जो है वो सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, इसमें आज हम वही सीखेंगे। अच्छा, एक बात ये बात याद रखेंगे कि हमारे पास जो हम इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे सोल्यूशन आएगा, एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ आएंगी क्रैमर रूल से भी वही वैल्यूज सेम आएंगी। इन इक्वेशंस को हम किसी भी तरह से सॉल्व करें तो आंसर जो है वो बिल्कुल सेम ही आएगा। तो अब हमारे पास, हमने उसमें देखा था कि फिफ्थ जो पार्ट था वो पॉसिबल नहीं था, उसका सोल्यूशन नहीं था, हमने पिछले लेक्चर में किया था इन्वर्जन मेथड से। तो यहाँ पे भी जो है उसका जो है वो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। उसमें हमने इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट किया था, उसके बाद फिफ्थ पार्ट किया था। तो इस लेक्चर में मैं इस क्रैमर रूल से जो बाकी पार्ट्स बच गए हैं उनको जो है वो सॉल्व करूँगा, ताकि उनके जो आंसर हैं वो भी आपके सामने आ जाएं। मेथड तो सेम ही होगा, तो जो हम उसमें नहीं कर सके थे वो इसमें हम सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल से। तो हम सबसे पहले देखेंगे फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, 3x-2y = -6, 5x-2y = -10। तो इसका भी तरीकाकार सेम है। सबसे पहले तो हम इनकी अरेंजमेंट्स चेक करेंगे, तो अरेंजमेंट्स जो हैं वो इसकी भी दुरुस्त हैं। तो हमारे पास क्या है, 3x-2y = -6, 5x-2y = -10। अब हमने इसको करना है क्रैमर रूल से। तो क्रैमर रूल के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक ही मैट्रिक्स चाहिए। उसमें हम तीन मैट्रिक्स बनाते थे, एक को हम ए का नाम देते थे, दूसरे को हम एक्स का, तीसरे को हम बी का नाम देते थे। तो इसमें वो वाला जो हम ए मैट्रिक्स बनाते थे वही सिर्फ एक ही मैट्रिक्स चाहिए, जो कि हम इस एक्स और वाई के कोफिशेंट से ही बनाएंगे। तो उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ए का नाम भी दे सकते हैं आप, एम भी दे सकते हैं, डी भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे उसके लिए डी यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो डी मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास 3-2, 5 and -2 होगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास है वो एक्स की वैल्यू हम फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला क्या है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला क्या है। हमारे पास x इज इक्वल टू होगा डी एक्स डिटर्मिनेंट ओवर डी डिटर्मिनेंट, और y हमारे पास होगा डी वाई डिटर्मिनेंट ओवर डी डिटर्मिनेंट। अब हमें क्या चाहिए, एक तो हमें d का डिटर्मिनेंट चाहिए दोनों के लिए। तो यही वजह है कि हमने कहा कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 0 है। तो अब ये मैट्रिक्स जो हम बना रहे हैं उसका डिटर्मिनेंट जब 0 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाएगा तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं हो सकता। अच्छा, अब हमें एक तो डी का डिटर्मिनेंट चाहिए, दूसरा हमें डी एक्स और डी वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए। और डी एक्स और डी वाई क्या है हमें पहले वो भी देखना पड़ेगा कि डी एक्स और डी वाई क्या है। तो देखते हैं डी एक्स क्या होता है और डी वाई क्या होता है। देखें, जब हमने डी एक्स बनाना है तो जो मैट्रिक्स हमने डी बनाया हुआ है उसमें जो एक्स के कोफिशेंट है उनको हमने छोड़ देना है, उनको हमने नहीं लिखना। उनकी जगह पे हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं राइट हैंड साइड पे वो वाली लिखनी है। डी एक्स के लिए एक्स के कोफिशेंट्स नहीं लिखने इस डी के अंदर ही, यहाँ से हमने एक्स के कोफिशेंट नहीं लिखने, उनकी जगह पर हमने कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ लिख देनी है, -6, -10, और बाकी यही वाली वैल्यूज़ y वाली जो है वो सेम इसी तरह से हमने लिख देनी है। इसी तरह से हम जब डी वाई बनाएंगे तो डी वाई के लिए हमने क्या करना है, x वाली वैल्यूज़ वैसे लिख देंगे 3 and 5। अब हम डी वाई बना रहे हैं तो y के कोफिशेंट्स नहीं लिखने, y के कोफिशेंट्स की जगह पे हमने ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ जो राइट हैंड साइड पे हैं ये लिख देनी है,
-6 एंड -10। अब हमारे पास d भी मौजूद है, dx भी मौजूद है, dy भी मौजूद है, तीनों हमारे पास मैट्रिसेस आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने जस्ट इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और इन इक्वेशंस के अंदर जो है हमने पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं d का डिटर्मिनेंट। तो d डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल होगा, 3 -2 5 एंड -2। तो ये मल्टीप्लाई होगा 3 और -2, तो माइनस हमारे पास 6 आ जाएगा। ये माइनस फार्मूले वाला, और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाए, 5 एंड 2 मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा। तो इसका हमारे पास आ जाएगा 4। डी डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है 4। अब हमें चाहिए डी एक्स डिटर्मिनेंट। तो डी एक्स का डिटर्मिनेंट हम यहाँ से फाइंड करेंगे, -6 -2 -10 एंड -2। तो ये हमारे पास आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 12। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फार्मूले वाला माइनस यहाँ पे मौजूद रहेगा। तो 10 2 20 = -8। अब डी एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। अब इसी तरह से डी वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डी वाई हम ये फाइंड कर चुके हैं, 3 -6 5 एंड -10। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो 3 एंड -10 मल्टीप्लाई होके -30। एक माइनस फार्मूले वाला और दूसरा ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 6 30। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0। अब डी एक्स का डिटर्मिनेंट या डी वाई का डिटर्मिनेंट जब 0 होगा तो एक्स या वाई की वैल्यू 0 आएगी। जब डी का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो अब हम जो है वो वैल्यूज पुट करते हैं, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम क्या करते हैं, डी एक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो उसकी वैल्यू हमारे पास -8, और हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट जो है उसकी वैल्यू 4। तो ये हमारे पास आ गया -2। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। इसी तरह से वाई की वैल्यू के लिए हम जो 0 पुट करेंगे, 0/4, डी का डिटर्मिनेंट जो है वो 4 है, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ गई। अब इसी तरह से क्रैमर रूल से जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल यही वे चूज़ करेंगे, इसी मेथड से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम इसका कोई एक आध और क्वेश्चन देखते हैं। 5 पार्ट जो है उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाता है, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे। अब मैंने लिखा है 6 पार्ट। तो 6 पार्ट में देखें, यहाँ पे भी पहले अरेंजमेंट चेक करें वो तो ठीक है। तो 4x + y = 9 -3x - y = -5। अब हमारे पास यहाँ पे d किसके इक्वल होगा, d हमारे पास होगा 4, 1 -3 एंड -1। अब मैं यहीं पे, अब मुझे पता चल गया है कि क्रैमर रूल के मदद से क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो पहले तो मैंने आपको पहले फार्मूले बताए थे ताकि आपको पता चल जाए कि हम डी एक्स और डी वाई क्यों फाइंड कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले डी एक्स और डी वाई फाइंड कर लेंगे, फिर उनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे और फिर फार्मूलों में पुट करेंगे और हम आंसर ले लेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा डी एक्स। तो डी एक्स के लिए हम क्या करते हैं, एक्स के कोफिशेंट नहीं लिखते, उनकी जगह पे हम 9 एंड -5 लिखते हैं, और वाई के कोफिशेंट हम 1 -1 7 लिखते हैं। अब डी वाई के लिए हम क्या करते हैं, एक्स के कोफिशेंट वैसे लिखते हैं, अब वाई के कोफिशेंट्स की जगह पे हम ये वैल्यूज़ ले आते हैं 9 एंड -5। तो ये हमारे पास आ गया है डी डी एक्स डी वाई। अब हमें चाहिए इनके डिटर्मिनेंट्स। तो डी का डिटर्मिनेंट्स हमारे पास 4, 1 -3 -1 = 4 एंड -1 मल्टीप्लाई होगा तो -4, -1 फार्मूले वाला और एक माइनस ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस, 3 1 3, तो -1 इसका हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद हम डी एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डी एक्स हमारे पास 9, 1 -5 एंड -1 = 9 एंड -1 मल्टीप्लाई होगा तो -9,
ये माइनस एक ये और एक माइनस फार्मूले वाला, तो प्लस फाइव इज इक्वल टू माइनस फोर। उसके बाद डी वाई डिटर्मिनेंट, तो डी वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास फोर नाइन माइनस थ्री एंड माइनस फाइव इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ट्वेंटी माइनस फार्मूले वाला और एक माइनस ये प्लस हो जाएगा, थ्री नाइन आर ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू सेवन। अब हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट, डी एक्स का डिटर्मिनेंट, डी वाई का डिटर्मिनेंट निकल आया, तो अब हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। तो वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, डी एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस फोर और डी की वैल्यू हमारे पास माइनस वन, तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा फोर। वाई हमारे पास डी वाई डिटर्मिनेंट ओवर डी डिटर्मिनेंट, तो ये हमारे पास माइनस वन है और ये हमारे पास सेवन है, तो हम इसको माइनस सेवन लिख सकते हैं। ठीक है, ये माइनस को ऊपर लिखें नीचे लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये माइनस ऊपर ले जाएंगे डिनोमिनेटर में वन रह जाएगा, तो वन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये था हमारे पास सिक्स पार्ट, अब इसके हमारे पास सेवन और एट पार्ट्स रह गए हैं, बाकी भी जो है वो आप लोग खुद करेंगे। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री। जी, इसके बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम बाय यूजिंग, अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दे दिए हैं, उनको भी आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो मैं जस्ट उनकी इक्वेशंस आपको बना के दूंगा, बाकी जो है सॉल्व आप खुद करेंगे, फिर अगर कोई मसला हो तो वो आप डिस्कस करेंगे कमेंट्स में, जो है वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर टू, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज फोर टाइम्स इट्स विड्थ। अब यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, एक लेंथ और दूसरा विड्थ। तो हम सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द लेंथ एंड y be the width of rectangle। अब हमारे पास एक जो है वो लेंथ है और दूसरी हमारे पास विड्थ है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन क्या है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज फोर टाइम्स इट्स विड्थ, तो हमारे पास जो x है वो y के फोर टाइम है। ठीक है, हमारे पास अगर x है तो वो y के फोर टाइम, मतलब उसको फोर टाइम लेंगे y को विड्थ को, तो वो हमारे पास दोनों सेम होंगी। ठीक है, तो इससे अब इक्वेशन बन जाएगी x माइनस फोर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये एक इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, तो ये इक्वल किसके है, 150 के। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस 2 को डिवाइड करके इस पे, तो ये आ जाएगा 75x प्लस y इज इक्वल टू 75, तो इसको आप सेकेंड इक्वेशन बना सकते हैं। अब हमने करना क्या है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, तो डायमेंशन वही होगी जो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से निकलेंगी, वही इसकी डायमेंशंस होंगी। तो ये उसी मेथड से, आपने इसको इन्वर्जन मेथड से भी करना है। अब इक्वेशंस आपके पास सामने आ गई हैं, तो अब मेथड आपको पता है कि इन्वर्जन मेथड कौन सा है और क्रैमर रूल कौन सा है, तो उनकी मदद से आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो इनमें जो नई चीज़ है वो यही है कि हमने इक्वेशंस कैसे बनानी है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री है, टू साइड्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री, टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो आप यही लाइन क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए भी लिखेंगे कि हम उसकी जो लेंथ है और विड्थ है उसको हम लेट कर लेते हैं कि एक्स और वाई है,
उसके बाद जो कंडीशन है कि डिफर बाय 3.5, तो डिफर का मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है। अब ये हमारे पास आ गया है एक इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। अब या तो आप इसी को यूज़ कर लें 3.5 को, लेकिन इजी ये है कि इसका पॉइंट ख़त्म करें, यहाँ पे 10 लगाएं, अब 10 को सब से मल्टीप्लाई करें तो 10x माइनस 10y इज इक्वल टू, ये 10 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे 35, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल और इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर इसका फिर वही है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 67 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67, तो ये आपके पास बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इक्वेशंस बन गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। अब आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होती है, उसके दो एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं। अब क्या कह रहा है कि दो एंगल तो जो इक्वल हैं, लेकिन जो थर्ड एंगल है वो क्या है, लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। अब थर्ड एंगल जो है उन दोनों के सम से जो है वो 16 डिग्री लेस है, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो इक्वल एंगल्स हैं वो हैं x डिग्री और थर्ड एंगल जो है वो है हमारे पास y डिग्री। ये दोनों चीज़ें हमने लेट कर ली। अब देखें दो इक्वल एंगल तो उनका सम क्या होगा, x डिग्री प्लस x डिग्री, तो हम यहाँ पे सिर्फ अब x यूज़ करेंगे तो उन दोनों का सम x प्लस x होगा। अब जो थर्ड एंगल है वो कह रहा है कि इन दोनों के सम से अगर 16 माइनस कर दें, 16 लेस कर दें, तो तब जो है वो थर्ड एंगल बनता है, तो माइनस 16 इज इक्वल टू y, मतलब 2x माइनस 16 इज इक्वल टू y। अब y को इधर ले आएंगे, 2x माइनस y प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब कोई भी ट्राइंगल होती है तो उसके अंदर जो हमारे पास टोटल एंगल होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, टोटल एंगल है हमारे पास दो एंगल तो सेम है, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हमारे पास टोटल तीन एंगल जो होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है, तो ये हम वहाँ से लेंगे। ये दो एंगल हैं x प्लस x, तो हमारे पास होगा क्या, x प्लस y इज इक्वल टू 180, तो ये 2x प्लस y इज इक्वल टू 180 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 की जो है वो इक्वेशन बन गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। अब एक जो एक्यूट एंगल है वो दूसरे एंगल के ट्वाइस से जो है वो 12 डिग्री मोर है, तो हम क्या करते हैं, लेट फर्स्ट एक्यूट एंगल x डिग्री है और सेकंड जो है वो हमारे पास y डिग्री है, तो अब क्या कह रहे हैं हमारे पास, वन एक्यूट एंगल, एक जो एक्यूट एंगल है वो दूसरे के ट्वाइस से 12 डिग्री मोर है, तो हम अगर इसको 2x कर दें, एक एंगल लें उसका ट्वाइस लें, तो उसमें अगर 12 ऐड करें तो हमारे पास जो पहले बात की गई है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस, तो 12 डिग्री मोर है इनके इसका जो ये एंगल था इसको हमने ट्वाइस किया, तो ये एंगल जो है उसमें अगर हम 12 ऐड करेंगे तब ये एंगल बनेगा, तो ये हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12 इक्वेशन 1 बन गई।
अब हमारे पास जो राइट ट्राइंगल की बात होती है तो हमारे पास क्या होता है, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री होता है। अब दूसरे दो जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, वो होते हैं उनका भी जो सम होगा वो भी 90 डिग्री ही होगा। तो हम दूसरी इक्वेशन जो है वो ले सकते हैं x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारे पास बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब हमने यहाँ पे एक्यूट एंगल लिए हैं तो जो एक्यूट एंगल होते हैं उन दोनों का यहाँ पे ट्राई ट्राइंगल में सम जो है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि ट्राइंगल जो है उसका टोटल सम 180 होता है। 180 में ये वन एंगल तो राइट हो गया, अब बाकी दो जो एक्यूट एंगल हैं उनका जो है वो सम हमारे पास वो भी 90 के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे हमारे पास 40 होगा, तो इन दोनों का सम जो है वो हमेशा 90 के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 की जो है वो बन गई इक्वेशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। दो कार्स हैं 600 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं, देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर। अब हम सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं कि उन दोनों कार्स की स्पीड जो है, स्पीड्स ऑफ कार्स लेट, ये हम लेट कर रहे हैं, आर कार्स आर एक्स एंड वाई। अब ये हमारे पास एक्स एंड वाई जो है वो दोनों कार्स की स्पीड्स हैं, तो क्या है उनका डिफरेंस कितना है, उनका डिफरेंस एक्स माइनस वाई इनकी स्पीड का डिफरेंस 6 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें सिर्फ यहाँ तक चाहिए, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। उसके बाद कह रहा है एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4 × 1/2 आवर्स। तो 4.25 घंटों के बाद उनका जो डिफरेंस था वो एक दूसरे से जो दूर रह गई थी वो 123 किलोमीटर थी। अब पहले वो 600 किलोमीटर थी दूर, फिर 123 किलोमीटर रह गई, तो उन्होंने फासला दोनों ने कितना तय किया, दोनों ने मिलकर 477 किलोमीटर का डिफरेंस जो है वो कवर किया, डिस्टेंस कवर किया। तो अब वो इतना दूर रह गई हैं। अब उन्होंने टाइम कितना लगाया, उनका टाइम दोनों ने 4.25 घंटे बाद है, तो 4.25 घंटे के बाद 4.25 घंटे ये वाली कार भी चली है, ये भी चली है, तो इन दोनों ने मिलकर 1/2 घंटे में एक्स स्पीड से और 1/2 घंटे में वाई की स्पीड से 477 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो अब ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 × 8 + 1 9/2x + 9/2y = 477। अब इसको हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2/9 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड पे, 2/9 × 9/2x + 2/9 × 9/2y = 477 × 2/9। हमने ये 9/2 को ख़त्म करने के लिए 2/9 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये कैंसल, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास 9 × 1 = 9, ये हमारे पास आ जाएगा 5 × 9 = 45 और यहाँ पे 27 हो गया 3, तो 53 × 2 = 106। तो ये हमारे पास बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.6। तो आज हमारे लेक्चर्स का जो हमने 14th लेक्चर बनाए हैं एक्सरसाइज 1.6 तक, यूनिट 1 के टोटल 14 लेक्चर, हमारे पास तमाम एक्सरसाइज जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। तो अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर में किसी को कोई इशू हो तो मुझसे रابطہ कर सकता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आप तक जो है वो मेरी वीडियो बर वक्त पहुँच जाए।
इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।